सरसों और सोयाबीन के भाव में गिरावट के बाद क्या सस्ते हो जाएंगे खाने के तेल? दरअसल बीते सप्ताह दिल्ली तेल तिलहन बाजार में खाद्य तेल तिलहन कीमतों में मिला जुला रुख देखने को मिला। जहां सरसों तेल तिलहन और सोयाबीन दाना और लूज के भाव में गिरावट आई, तो वहीं सोयाबीन तेल, मूंगफली तेल तिलहन, पामोलिन और बिनोला तेल कीमतों में तेजी देखी गई। दरअसल रिफाइंड में महंगा बैठने के बावजूद सस्ते में उपलब्ध कच्चा पाम तेल की मांग होने से सीपीओ के भाव पूर्व स्तर पर बने रहे। अब यहाँ पर बाजार जानकारों का कहना है कि आयाती तेलों के ऊंचे भाव बोले जा रहे हैं, लेकिन उस भाव पर खरीदार फिलहाल नहीं है। भाव ऊंचा बोले जाने की वजह से सोयाबीन तेल, मूंगफली तेल तिलहन, पामोलिन और बिनोला तेल कीमतों में मजबूती आई है। वहीं सरसों सहित सोयाबीन, मूंगफली, बिनोला जैसी देशी तेल तिलहनों की पेराई में मिल मालिकों को नुकसान है। दरअसल सस्ते आयाती तेलों की वजह से संकट बढ़ गया है, क्योंकि उनके मुकाबले देशी तेल तिलहनों के भाव नहीं टिक पा रहे, या फिर यूं कहें कि उनके खरीदार कम हैं। ऐसी स्थिति में मजबूरी में थोक बाजार में देशी तेलों को सस्ते में बेचना पड़ रहा है, जबकि अधिकतम खुदरा मूल्य यानी MRP जरूरत से कहीं बढ़ाकर रखे जाने से खुदरा बाजार में उपभोक्ताओं को ऊंचे दामों पर इसे खरीदना पड़ रहा है। जानकारों की माने तो कच्चे पाम तेल और पामोलिन तेल के आयात शुल्क अंतर और बढ़ाने की तेल संगठनों की मांग जायज है, क्योंकि इससे घरेलू तेल रिफाइनिंग उद्योगों का कामकाज चलेगा। हालांकि इन संगठनों को सस्ते आयाती तेलों की भरमार के कारण देश के छोटे बड़े सभी किस्म के तेल उद्योगों की बदहाली के बारे में भी सरकार को बताना चाहिए। कोटा प्रणाली इन तेल उद्योगों की कमर तोड़ रही है, लिहाजा संगठनों को कोटा व्यवस्था खत्म करने की सलाह सरकार को देनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ बाजार जानकार मान रहे हैं कि तेल आयात पर भारी मात्रा में होने वाली विदेशी मुद्रा खर्च को देखते हुए तेल तिलहन कारोबार को सट्टेबाजी से मुक्त रखना अहम है, और इस क्रम में तेल तिलहनों के वायदा कारोबार पर रोक जारी रखना बहुत जरूरी है। साथ ही बिनोला खल के वायदा कारोबार को भी रोक देना चाहिए, क्योंकि सट्टेबाज किसानों से नीचे भाव में खरीदकर बाद में ऊंचा भाव बेच देते हैं और किसानों की लूट होती है। इसी वजह से दूध के दाम पिछले कुछ महीनों में लगातार बढ़ रहे हैं और आगे भी उम्मीद की जा रही है कि दूध के दामों में वृद्धि होती रहेगी। दरअसल वायदा कारोबार में बिनोला खल के भाव 3-4 महीने के दौरान 26% बढ़ गए हैं, जिससे दूध लगभग 10% महंगा हो गया है। दूसरी ओर पेराई में नुकसान होने के कारण सोयाबीन तेल के भाव ऊंचे बोले जाने से सोयाबीन तेल कीमतों में सुधार आया है। दूसरी ओर सस्ते आयातित सोयाबीन तेल के कारण देशी सोयाबीन तिलहन की मांग प्रभावित होने से सोयाबीन तिलहनों में गिरावट देखने को मिली है। उक्त स्थिति के कारण ही पहली बार डी ऑयल केक यानी DOC का आयात करना पड़ रहा है, जिसका खामियाजा मौजूदा वक्त में भुगतना पड़ रहा है, और सोयाबीन का जमा स्टॉक बाजार में खप नहीं रहा। विदेशों में सूरजमुखी और सोयाबीन तेल के दाम के पिछले 6 महीने के दौरान 70 से 90 रुपए किलो की गिरावट आई है। इन खाद्य तेलों की खपत संभ्रांत तबके में सबसे अधिक होती है और इनका पाम और पामोलिन के मुकाबले आयात भी कम होता है। अधिक आयात पाम और पामोलिन तेल का होता है, जो हमारे देशी तेल तिलहनों पर अधिक असर नहीं डालते। इन खाद्य तेलों को कमजोर आय वर्ग के लोग और बिस्किट बनाने वाले उद्योग कहीं अधिक होता है। विशेषज्ञों का मानना है कि विशेष रूप से पाम और पामोलिन तेलों के सस्ता होने से भी देश की मुद्रा स्फीति कम हुई है। वहीं आपको बता दें कि पिछले हफ्ते सीपीओ के प्रसंस्करण के खर्च बढ़ने से पामोलिन में सुधार देखने को मिला, लेकिन भाव अभी भी काफी कम बने हुए हैं, जो 4-5 महीने के पहले के भाव के मुकाबले लगभग आधे हैं। मांग होने के बावजूद रिफाइनिंग खर्च के कारण सीपीओ के दाम फिलहाल पूर्व स्तर पर देखने को मिले हैं। वहीं जानकारों का कहना है कि किसानों द्वारा नीचे भाव में बिकवाली न करने और उपभोक्ता मांग बढ़ने के कारण तेल तिलहन कीमतों में फिलहाल थोड़ा सा सुधार देखने को मिल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, बाकी टाइम्स TV।